टेंशन नहीं ले हैं जमशेद साहब, आपके इश्तहारात के सारे बिल क्लियर करवा दिए हैं। अभी जिस तरह आप वो नवीद को डील कर रहे थे सीने में ठंडा, हाँ वो आपके टैक्स के जो मामलात हैं वो भी ठप करवा देंगे आप। बड़ी मेहरबानी खान साहब, आप अपने बिजनेस पे तवज्जो दें। सुना है बेकरियों की एक चेन खोल रहे हैं। जी जी, बल्कि अगले ही हफ्ते इफ्तिताह है। तो सीएम सेक्रेटेरिएट का रिफ्रेशमेंट का सारा सामान आपकी बेकरी से आए। घबराए ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ी मेहरबानी। तो यार एक कप चाय तो लेके आएंगे। तुम बेवकूफ हो या मुझे बुद्धू बना रहे? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे या मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा तो इसका मतलब पता है क्या है? क्या सर? इसका मतलब ये है कि तानिया की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की है और तुम मेरे साथ हो। हाँ बॉस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम्हें निकाल दूँ। लेकिन आप देखो, इससे तुम्हें दो फायदे होंगे। पहला ये कि नवीद को तुम पे शक नहीं होगा और दूसरा जो तुम्हारे यहाँ के ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या समझे? ठीक है बॉस। देखो, तुम्हें नवीद की टीम में मेरा बंदा बन के रहना है। तानिया की गिरफ्तारी के बाद दुश्मनी तो मोल ले लिया हमने, बदला तो लेगा वो। हाँ बॉस, सब कह तो ठीक रहे लेकिन इस सब में वो आप जेल में ना बैठा रह जाए। कोई यार उसकी फिक्र ना कर, उसको मैं निकाल दूँ। ठीक है बॉस, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तुम घर जाओ, ऑफिस से तुम्हें कॉल आ जाएगी। और आबिद? कह दिया ना कुछ दिन में छूट जाएगा। एक और बात, अगर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की ना तो नवीद को कॉल मैं करूँगा और उसको बताऊँगा कि तानिया की इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की थी। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। जी नाजरीन, तो अभी आपने नवीद खान के यूट्यूब चैनल की उस वीडियो का क्लिप देखा जिससे हैशटैग ब्रीदिंग कैंसर को सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बनाया गया। उसी की बुनियाद पे रंधावा को ट्रैप किया गया, उसे नवीद खान के शो में बुलाया गया जिस जगह पर उसे मजीद प्रेशराइज किया गया कि वो अपनी पीआर कैंपेन नवीद खान की बीवी तानिया खान को सौंप दे। हालांकि इसके लिए मिनिस्ट्री का अपना डिपार्टमेंट मौजूद था। इससे ये बात साफ जाहिर है कि रंधावा साहब ने भी खूब माल कमाया होगा। हमारे जराए ने बताया कि रंधावा साहब की करप्शन की वजह से पार्टी में एक तशवीश की लहर दौड़ उठी है। आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जी इसमें सर, कब देंगे ब्रेकिंग न्यूज? वो मैं कमेटी की रिपोर्ट चला दूं? होल्ड करो।
हेलो ओके थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है अजमत। थैंक यू सर। विशाल को लो जल्दी। विशाल स्टैंड बाय। जी जी हाँ नाज़रीन, आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करते चलें कि चीफ मिनिस्टर ने सूबाई वजीर माहौलियात रंधावा साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और उनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर करने के अहकामात भी जारी कर दिए। और साथ ही हमारे जराये से ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद रंधावा साहब को एक दो दिन में गिरफ्तार भी कर लिया जाए। खैर मुबारक सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नाज़रीन आपको एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि मुशीर दाखिला हाकिम खान को सूबाई वजीर माहौलियात का चार्ज दे दिया गया। ये एक्सक्लूसिव न्यूज आपको सबसे पहले 24/7 न्यूज चैनल पे सुनने को मिल रही है कि मुशीर दाखिला हाकिम खान को सूबाई वजीर माहौलियात का चार्ज दे दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि हाकिम खान साहब का मौकिफ जान सके, उनसे बात कर सके, लेकिन कॉल कनेक्ट करने से पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। सर मलिक रजाक की क्या हो गया है? कुत्ता कहीं भौंक रहा है, तुम यहां दिखाओ देर से। जी मलिक साहब। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो नई मिनिस्ट्री के मिलने की। खैर मुबारक। आपको भी मुबारक हो जनाब। अब ये बताइए कि हमारा काम कब तक हो जाएगा? मलिक साहब मिनिस्ट्री ली क्यों है? आपका काम करने के लिए। हलफ उठा लेने दें, उसके बाद सबसे पहले आपका काम। जिस दिन हमारी फाइल साइन हो जाएगी खास साहब, आपकी अमानत उसी दिन आप तक पहुंच जाएगी। हमारे यूरोपियन दोस्त उस वक्त तक फाइनल डील नहीं करेंगे जब तक मैं ये फाइल उन्हें दिखा नहीं देता। कैसे माहौलियात को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कि किसी की जान को कोई खतरा है। और वैसे भी पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे शो तो करना होगा ना। आप डील साइन करने की तैयारी करें। इतनी बड़ी गेम इसी काम के लिए खेली। बस ठीक है आप हल्फ उठाइए, हम खुद आएंगे मुबारकबाद देने। बहुत शुक्रिया। खुदा तेनू हो की जाता है? कुत्ता किदा ही बद्दा होया है, तू इत्थे खलोता डरी जाना। खैर है कुछ नहीं। नहीं तेरी क्यों जान निकल जाती है कुत्ते की आवाज सुन के? क्योंकि कुत्ते ने मेरी माँ और चचा को काट के मार दिया था। I'm sorry, I'm sorry. चल कोई नहीं। खैर ओ बख्शू ए कुत्ते नु वेख, ओए वलैती कुत्ते ने घना खांदन, रोटी पा इनु कश है। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है, तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा।